नमस्कार, मैं हूं रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। शाबाश 2022 में मेधावियों का सम्मान, बरेली के बच्चे भरेंगे ऊंची उड़ान। शाबाश 2022 में डीएम के दिल की बात, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के सरकारी जज्बात। शाबाश 2022 में कुलपति का संदेश, बच्चों पर फैसला ना थोपे माँ बाप। शाबाश 2022 के बीच सीडीओ को याद आया बचपन। शाबाश 2022 में देशभक्ति का अंदाज, गूंजे घर घर में तिरंगे की आवाज। शाबाश 2022 में मिला बड़ा सम्मान, हम छूकर दिखाएंगे आसमान। शाबाश 2022 ने बरेली में नया इतिहास रच दिया। यूपी न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क और एक उम्मीद संस्था ने पीलीभीत बाईपास स्थित हवेली सभागार में भव्य कार्यक्रम किया। शहरी क्षेत्र के मेधावी स्टूडेंट्स का शानदार स्वागत किया। बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी, एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश के हाथों कार्यक्रम में सम्मान पाकर मेधावियों के चेहरे खिल उठे। समारोह में स्कूलों के प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स के अभिभावकों के साथ शहर बरेली के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बच्चों के सम्मान के लिए एक सुर में न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के साथ एक उम्मीद संस्था को धन्यवाद दिया। 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आभारी हूँ माननीय सीडीओ सर का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य वक्त में से समय निकालकर शाबाश कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मेधावी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन कर उनको आशीर्वाद दिए। ये शाबाश 2022 प्रोग्राम में इन मेधावी बच्चों का आज हम सम्मान करने वाले हैं। इन आप लोगों से पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं। हमारे प्रोग्राम की टैगलाइन है फेलिसिटेशन ऑफ फ्यूचर स्टार्स। आप लोग सब, जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं, सब अचीवर्स हैं। मेरी कामयाबी के पीछे मेरी फैमिली का भी हाथ है एंड मेरे टीचर्स का भी उतना ही सपोर्ट था। आगे फैशन डिजाइनर शादित्य मौर्य, क्लास 82.6%। अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट। शाबाश 2022 को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी बरेली शिवाकांत द्विवेदी ने सभी स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया और सबके सामने अपने अनुभव व्यक्त किए। डीएम ने कहा कि सरोकार समाज की रीढ़ होते हैं। यूपी न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क का यही प्रयास सराहनीय है। जंग आजादी में पत्रकारिता का अमिट योगदान रहा है। उस कालखंड के महान नेताओं में कितने ही पत्रकारिता से जुड़े रहे और आजादी के खातिर लंबा संघर्ष किया। न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क की तरह बाकी मीडिया संस्थान भी इस तरह से सामाजिक कार्यक्रम करने में आगे आए तो मीडिया को लेकर समाज में बन रही थोड़ी बहुत नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदलते देर नहीं लगेगी। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि कभी ज्ञान की भूख खत्म नहीं होने देना, आपके बनाए कीर्तिमान टूटते रहेंगे और नए रिकॉर्ड बनते जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यूज टुडे द्वारा जो एक कार्यक्रम किया जा रहा है वह दो अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले, मीडिया को एक जिम्मेदार स्तंभ के रूप में सामने आना चाहिए, यह भूमिका आप बखूबी निभा रहे हैं। आज जो मीडिया को लेकर के एक निगेटिविटी लोगों के दिमाग में है, उससे हटकर एक सकारात्मक पहल आप कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मुझे विश्वास है अगर हमारे और मीडिया हाउसेस इसी प्रकार से आगे आए और सामाजिक महत्व के कार्यों में आगे बढ़े तो निश्चित ही समाज को नई दिशा और उसको एक नई प्रेरणा जरूर मिलेगी। और इन छात्रों को जो आप सम्मानित कर रहे हैं, आप इस समय शायद उनके मन में क्या चल रहा होगा इसका सही सही अनुमान यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो केवल वो बच्चे समझ सकते हैं जिनको आपने यहाँ बुलाया। उनके आज के इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, वह आगे चल करके अनुभव और शिद्दत से करेंगे जब यहाँ से प्रेरणा लेकर के वो जाएंगे। एमजेपी रोहिलखंड डीवी के कुलपति केपी सिंह ने शाबाश 2022 समारोह में शामिल मेधावी स्टूडेंट्स के साथ उनके अभिभावकों को खास टिप्स दिए। कुलपति ने कहा कि माँ बाप अपने बच्चे का कैलिबर पहचाने, उसका इंटरेस्ट देखें और उसी तरह से उनको जीवन में आगे बढ़ने का फैसला करने दें।
अपनी ओर से किसी तरह का स्ट्रेस बच्चों पर ना डालें। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में स्कोर करना अच्छा संकेत माना जाता है, मगर जो स्टूडेंट्स इस दौड़ में थोड़ा पीछे रह जाते हैं वे भी राष्ट्र की ताकत बनते हैं और अपनी तरह से कीर्तिमान बनाते हैं। एजुकेशन की रेस में जॉब सीकर्स और जॉब क्रिएटर की कहानी के कई पहलू होते हैं। शिक्षकों को इस बात से खुशी होती है कि उनके पढ़ाए बच्चे हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। पीएम साहब पूछ रहे थे क्या बनना चाहते हैं, तो कई बच्चों ने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कई बच्चों ने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ ने कहा आईएएस बनना चाहते हैं। तो पीएम साहब बड़े खुश हुए। मैं टीचर को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए कह रहा हूँ कि डोंट बी डिसहार्टेड, हमारा काम नेशन बिल्डिंग है, हम राष्ट्र को बनाने वाले लोग हैं और हमारी प्रयोगशाला में हमारे क्रिएशन में जीरो डिफेक्ट बच्चे बढ़ के जाएं और वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करें, आगे बढ़ें, देश को मजबूत करें। हमें इसी में खुशी मिलती है और मिलनी भी चाहिए। शाबाश 2022 कार्यक्रम में 2018 बैच के आईएएस और बरेली के मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश ने मेधावी स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाते हुए अपने मन की बात कही है। सीडीओ ने अपने कॉलेज टाइम के अनुभव साझा करते हुए स्टूडेंट से कहा कि विश्वास जीवन में सफलता की कुंजी होता है, तो अति आत्मविश्वास तरक्की का उतना ही बड़ा दुश्मन। मेहनत करें, आगे बढ़े, मगर जीवन में कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना पालें। सीडीओ ने कहा कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी विनम्रता होनी चाहिए। माँ बाप, अभिभावक, शिक्षक उनको संस्कार देते हैं, आगे बढ़ने का माहौल देते हैं। स्टूडेंट को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। आज वे आईएएस ऑफिसर हैं, व्यस्तता के बाद भी अपने गुरुओं से संबंध बनाकर रखते हैं, माँ बाप से रोज बात करते हैं। First of all, I would like to thank all the, you know, the people, the new student network, Ek Ummeed, Future Group, Ariel Classes, Edu Mantra, और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए, उन बच्चों को शाबाशी देने के लिए और उनको यह फीलिंग दिलाने के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा खतरनाक है। कभी भी किसी चीज को लेके ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। मैं आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ बट कुछ चीजें हैं कॉशियस आपको करवा रहा हूँ कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहे, हमेशा अपना 200% दें। डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, हमेशा ट्राई करें, कभी किसी भी सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में कभी भी गिव अप ना करें। बहुत से ऐसे समय हर किसी की जिंदगी में आते हैं तब उसको लगता है कि शायद ये जीवन का अंत है या फिर इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, पर उनको पता नहीं है कि अगले ही पल शायद कोई बहुत बड़ी चीज उनका इंतजार कर रही है। यूपी न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क और एक उम्मीद संस्था की ओर से मेधावी स्टूडेंट्स का सम्मान कराया। शाबाश 2022 कार्यक्रम देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा अभियान के क्रम में न्यूज स्टूडेंट ग्रुप ने कार्यक्रम में सबको तिरंगा उपलब्ध कराया। समारोह में मौजूद डीएम बरेली शिवकांत द्विवेदी, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह, सीडीओ जग प्रवेश ने इस मौके पर कहा कि आजादी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। इस मौके पर सभी स्टूडेंट्स, अभिभावक और गणमान्य नागरिकों ने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। शाबाश 2022 समारोह की अमिट यादें साथ लेकर मेधावी स्टूडेंट्स जब विदा हुए तो सबकी जुबान से धन्यवाद के बोल फूटते नजर आए। मेधावियों ने एक सुर में कहा कि भव्य समारोह में डीएम, कुलपति और सीडीओ सहित विशिष्ट मेहमानों के हाथ सम्मानित होकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यह सम्मान हमारी प्रेरणा बनेगा और हमें कामयाबी की राह तक ले जाने की ताकत देगा। समारोह में मौजूद स्कूल टीचर, प्रिंसिपल्स भी बच्चों के सम्मान से अधिभूत नजर आए। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर यूपी न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के ग्रुप एडिटर डॉक्टर आशीष गुप्ता ने समारोह में मौजूदगी के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क ग्रुप सामाजिक सरोकार निभाते हुए आगे भी ऐसी कार्यक्रम करता रहेगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।